डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माई YouTube चैनल मिशन वन वे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे शैक्षिक निर्देशन एजुकेशनल गाइडेंस। इसमें आज हम लोग देखेंगे आवश्यकता, इसका महत्व, उद्देश्य, विशेषता और इसके जो है विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन। हम लोग भारत देश में बहुत से बच्चे को अगर सही समय पर शिक्षा के प्रति अगर निर्देशन नहीं मिलता है तो वो बच्चे जो भटक जाते हैं, उसको अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इसलिए आज हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शैक्षिक निर्देशन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी जो है बीएड सेकंड ईयर का बहुत अच्छे से चल रहा होगा और मेरे द्वारा दिया गया नोट्स जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये जो है एक सिस्टमेटिक तरह से नोट्स है जिसमें जो हर वो चीज़ बताया जा रहा है। और जो है आप लोग से हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे चैनल को शेयर करें। निर्देशन का ही तीन पार्ट था, व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। तीन में से हम लोग जो पहला आज देखेंगे शैक्षिक निर्देशन, ठीक है। और जिसमें जिसने पहले जो है निर्देशन वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो जो है निर्देशन वाला पार्ट देख लें, और आप लोग को जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो निर्देशन का जो है उसमें भी वो वाला पार्ट पहले देख लें, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं शैक्षिक निर्देशन, इसकी रूपरेखा में देखते हैं। प्रस्तावना, शैक्षिक निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व, शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य, शैक्षिक निर्देशन की विशेषताएं, विभिन्न स्तरों पर जो है शैक्षिक निर्देशन, और अंत में हम लोग क्या देखेंगे, अंत में देखेंगे निष्कर्ष। ठीक, प्रस्तावना में हम लोग देखते हैं मानव जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे अवरोधक उत्पन्न होते हैं। शिक्षा जो है एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, अवरोधक भी मिलते हैं, बहुत सारे अवरोधक प्राप्त होते हैं जो उनकी रुचियों और क्षमताओं, प्रतिभाओं का विकास नहीं हो पाता है, जिससे बालक की विचारधारा में परिवर्तन हो जाता है और बालक अनुशासनहीन दिशाओं की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अगर बालक को जो है सही समय पर शिक्षा के प्रति अगर उद्देश्य न दिया जाए तो बालक क्या हो जाते हैं, उद्देश्यहीन हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह के अवरोधकों को दूर करने के लिए ही एक साधन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शैक्षिक निर्देशन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शैक्षिक निर्देशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थियों की कई सारी समस्याओं जैसे विषयों का चयन, नवीन विद्यालय में प्रवेश, जीविका के ज्ञान का अभाव आदि तमाम उत्पन्न परेशानियों का सफलतापूर्वक समाधान शैक्षिक निर्देशन के द्वारा किया जाता है। शैक्षिक निर्देशन का जो है बालकों के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो बालक अगर सही समय पर पाठ विषयों का चयन नहीं करने पाते हैं या फिर जो है अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ने नहीं पाते हैं, तो इन सभी बातों को जो है शैक्षिक निर्देशन द्वारा जो उनको क्या किया जाता है, दूर किया जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं शैक्षिक निर्देशन का अर्थ। शैक्षिक निर्देशन का अर्थ होता है शैक्षिक समायोजन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने से होता है। शैक्षिक निर्देशन में समायोजन में जो भी जो समस्या आएगा उसको वो क्या करना, दूर करने से होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन में आने वाली ज्ञान प्राप्ति से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में जब हमें सहायता करते हैं तब वो प्रक्रिया शैक्षिक निर्देशन करती है। जब विद्यार्थियों को से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए सहायता दी जाती है तो वही क्या कहलाता है, शैक्षिक निर्देशन कहलाता है, ठीक है। अतः शैक्षिक निर्देशन का संबंध विद्यार्थी और विद्यालय जगत से होता है, जिसमें विद्यार्थी की रुचियों, क्षमताओं, कुशलताओं, योग्यताओं का पता लगाकर उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होता है। शैक्षिक निर्देशन द्वारा जो है बालकों का क्या कहता है, रुचियों, क्षमताओं का पता लगाकर जो है उनका एक सर्वांगीण विकास कराया जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं परिभाषा देख रहे हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषाएं अपनी इच्छानुसार दिया है। पहला है किट्सन के अनुसार, शिक्षा का व्यक्तिकरण करने का प्रयास ही निर्देशन है। शिक्षा का व्यक्तिकरण करने का प्रयास ही क्या है, निर्देशन है। अगला है करो एंड करो के अनुसार, क्या होते थे, व्यापक अर्थों में निर्देशन को शिक्षा का एक रूप समझा जाता है। मतलब व्यापक अर्थों में जो है निर्देशन को क्या करते, को समझा, शिक्षा का एक रूप समझा जाता है। अगला है आर्थर ई टेक्सलर के अनुसार, ये क्या बोले थे, निर्देशन विद्यालय के प्रत्येक पहलू जैसे पाठ्यक्रम, अनुदेश की विधि, निरीक्षण, अनुशासन, उपस्थिति की समस्याओं, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम तथा परिवार और समाज के संबंधों से संबंधित है, ठीक है। अगला बोले थे कार्टर वी गुड के अनुसार, शैक्षिक निर्देशन का संबंध मुख्य रूप से विद्यालयों, पाठ्य विषयों, पाठ्यक्रमों और विद्यालय से है, ना कि व्यावसायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत बातों से है। अगला है बेवर के अनुसार, शैक्षिक निर्देशन व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान करने का चेतनापूर्ण प्रयास है। कोई भी चीज़ जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। अब है शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में आजकल बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं। व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा निश्चित होते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली
छात्रों की अभिरुचि, योग्यताओं और रुचि के अनुसार ही नहीं दी जाती बल्कि छात्रों के उनके परिवर्तन के अनुरूप दी जाती है। विद्यालयों में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता निम्न है। अब इसमें हम देखते हैं शैक्षिक आवश्यकताओं की जो है कहाँ कहाँ शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। अध्ययन में विषयों के चयन के लिए, अध्ययन विधि का चयन करने के लिए, अध्ययन सामग्री के चुनाव के लिए, अग्रिम शिक्षा के संबंध में जानकारी, नवीन विद्यालयों में समायोजन हेतु, जीविकाओं का ज्ञान देना, अपव्यय एवं अवरोधन को दूर करना, अनुशासन स्थापना के लिए, परीक्षा की समुचित तैयारी करने के लिए। ठीक है, इसमें पहला हमने देखते हैं अध्ययन में विषयों के लिए चयन। ठीक है, जब छात्र विद्यालय जीवन में प्रवेश में जाते हैं तो अध्ययन के लिए विषय का चयन करना होता है। ठीक है, विषयों का चयन करते किसी प्रकार का अनुभव नहीं होने के कारण या तो वह माता पिता द्वारा या साथियों की देखा देखी विषयों को चुन लेते हैं। वे ये नहीं जानते हैं कि किस विषय का किस व्यवसाय से संबंध है। उन्हें रुचिकर या सरल विषय देखकर गलत पाठ्यक्रम का चुनाव कर लेते हैं। मतलब ये हुआ कि बालक जब विद्यालय पहुँचते हैं तो उसको विषय का जो है महत्व नहीं होता है, तो वो जो है क्या करते हैं गलत विषय चुन लेते हैं, या माता पिता जो विषय दिया वही चुन लेते हैं, या साथी हैं जो विषय लेते हैं उसी को जो है वो क्या कर लेते हैं चुन लेते हैं। ये नहीं देखते हैं कि इस विषय का जो संबंध आगे जो है किस व्यवसाय से है। ठीक है, तो इस प्रकार वो जो है गलत पाठ्यक्रम को चुन लेते हैं। यदि उससे समुचित शैक्षिक निर्देशन प्राप्त हो जाए तो अपनी रुचि क्षमता और योग्यता के अनुसार विषय चयन कर सकते हैं। ठीक है, अगला है दूसरा में अध्ययन विधि का चयन। दूसरा है अध्ययन विधि का चयन। जब बच्चे जब अध्ययन करते हैं तो जरूरी है कि वह अध्ययन कैसे करते हैं। या तो वह सरल से कठिन या पहले उदाहरणों को देखकर अध्ययन कर किया जाता है। इस प्रकार अध्ययन में विधि में शैक्षिक आवश्यकता बताकर करना चाहिए। यहाँ पे भी जो शैक्षिक आवश्यकता का जो है शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता जरूरी है। अगला है अध्ययन सामग्री के चुनाव के लिए। अध्ययन सामग्री का चुनाव जो है शैक्षिक निर्देशन का होना बहुत जरूरी है। जब विद्यार्थी बाजार में किसी अध्ययन सामग्री का चयन करते हैं तो वो किसी भी विषय के अनेक प्रकाशनों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। जब हम लोग विद्यालय मतलब बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे जो है प्रकाशनों का पुस्तक आता है, तो हम लोग जो है क्या हो जाते हैं भ्रमित हो जाते हैं लेने से, तथा सही अध्ययन सामग्री का चयन करने में कठिनाई का अनुभव होता है। यदि ऐसी परिस्थितियों में सही शैक्षिक निर्देशन मिल जाए तो वो अपनी कठिनाइयों को हल कर सकते हैं। हम लोग जो है वहाँ क्या कर लेते हैं कि अपने जो अनुभव नहीं होता है तो हम लोग जो है गलत जो है अध्ययन सामग्री को चयन कर लेते हैं। अगर उस समय जो शैक्षिक निर्देशन सही मिल जाए तो इस कठिनाइयों का क्या हो जाएगा हल कर सकते हैं। चौथा में हम लोग है अग्रिम शिक्षा के संबंध में। अग्रिम शिक्षा के संबंध में क्या है, हमारे देश में शैक्षिक निर्देशन के अभाव में छात्र अग्रिम शिक्षा का चयन नहीं कर पाते हैं। हाई स्कूल परीक्षा के सफलता के बाद छात्रों के लिए यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उनके आगे की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, अर्थात वो कौन से व्यावसायिक विद्यालयों में, औद्योगिक विद्यालय में या व्यापारिक विद्यालय आदि कहाँ अध्ययन करें। अतः अग्रिम विषय भविष्य के संदर्भ में शिक्षण उच्च शिक्षण के लिए शैक्षिक निर्देशन अत्यंत आवश्यक है। मतलब जो है अगर हम लोग क्या कहता है अगले हाई स्कूल की सफलता के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को जो है क्या मतलब शिक्षा का जो है महत्व पता नहीं रहता है, हम लोग को दिशा नहीं दिया जाता है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं एक गलत जो है मतलब मार्ग की ओर क्या करते हैं अग्रसर करने लगते हैं। ठीक है, पाँचवा में है नवीन विद्यालयों में समायोजन हेतु। ठीक है, बहुत से छात्र जब नवीन विद्यालय में प्रवेश करते हैं, नए विद्यालय में प्रवेश करते हैं, तो उनको वहाँ के नियमों का ज्ञान नहीं होने के कारण वहाँ के वातावरण के साथ गलत उचित समायोजन नहीं कर पाते हैं। सही बात है कि जब बालक जो है वहाँ अगर नवीन विद्यालय में पहुँचते हैं तो वहाँ के जो है क्या करते हैं वहाँ के विद्यालय के जो है इसके साथ समायोजन करने नहीं पाते हैं, जिन्हें उन्हें कई सारी परेशानियाँ होने लगती है, जिससे वहाँ विद्यालय छोड़ देने असफल हो जाते हैं। ऐसा भी नौबत आता है कि विद्यालय बालक जो है क्या करते हैं विद्यालय छोड़ देते हैं। गाँव के छात्र नगरीय छात्र के विद्यालय के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। जब गाँव का छात्र जो होता है वो नगरीय विद्यालय में आता है तो उसको कई सारी कठिनाइयाँ होती है। अतः शैक्षिक निर्देशन की सहायता से छात्रों को नए विद्यालय में प्रवेश के लिए भली भांति संयोजित किया जा सकता है। अगर हम लोग को उस समय शैक्षिक निर्देशन का महत्व समझा दें तो बालक जो है एक नए वातावरण में जो है समायोजन कर सकते हैं। अगला है छठा में जीविकाओं का ज्ञान देना, व्यवसायों का ज्ञान देना। भारत में छात्र बिना किसी जानकारी के कौन सा विषय पाठ विषय किस व्यवसाय से जुड़ा है, इनकी जानकारी के अभाव से भारत में शिक्षित बेकारी की समस्या जाती है। मतलब बालक जो है अपने जीविकाओं को उपार्जन के लिए जो है क्या करते हैं मतलब वो जो है पाठ विषय को जो है सही से चुनने नहीं पाते, जिससे बालक जो है शिक्षित बेरोजगारी बन जाते हैं जो उग्र रूप धारण कर लेती है। यदि विद्यालयों में पाठ विषयों से संबंधित व्यवसायों का ज्ञान दिया जाए तो बेकारी की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। बेकारी की समस्या को क्या कहता है दूर किया जा सकता है। सातवां में देखते हैं अवयव तथा अवरोधन को दूर करना। अवयव अवरोधन क्या होते हैं, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन अधिकांश बच्चे पूरी शिक्षा प्राप्त
किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं, जो बाह्य परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने एक तो समय धन अथवा शैक्षिक शक्ति भी अव्यय हो जाती है। मतलब ये हुआ कि जब बालक जो है क्या होते हैं, शिक्षा के निर्देशन के अभाव में जो है बालक जो है क्या करते हैं, विद्यालय छोड़ देते हैं। अब विद्यालय छोड़ देते हैं वो, क्योंकि वो जो बाह्य परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, जिससे समय धन और शक्ति भी क्या होती है, खत्म हो जाती है। अतः शैक्षिक निर्देशन के द्वारा इन अपयोगों या अवरोधनों को दूर किया जा सकता है। आठवां में है अनुशासन स्थापन के लिए। विद्यालयों में प्रायः अनुशासनहीनता की समस्या देखी जाती है, जिसमें समाज तथा अध्यापक इसके लिए बालकों को दोषी ठहराते हैं और कुछ लोग किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों को अनुशासनहीनता का मूल मानती है। मतलब बालक को जो है जब अपने किशोरावस्था में आते हैं तो बालक के शारीरिक मानसिक में परिवर्तन के कारण जो कुछ लोग उसको क्या मानते हैं, अनुशासनहीनता मानते हैं, मूल आधार मानते हैं। वास्तव में इसका मूल कारण है शैक्षिक निर्देशन का अभाव। उन्हें वास्तव में क्या कारण है कि उसको जो शैक्षिक निर्देशन नहीं दिया गया है। अतः यदि विद्यार्थियों को उपयुक्त शैक्षिक निर्देशन प्राप्त हो जाए तो इस समस्या का स्वतः ही समाधान हो जाएगा। अगला नौवां पॉइंट है परीक्षा की समुचित तैयारी। प्रायः ये देखा जाता है कि अत्यधिक अध्ययन और ज्ञानार्जन के बाद भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसका कारण ये है कि वह अपने ज्ञान को अच्छे से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिससे उसे कठिनाई का अनुभव होता है। शैक्षिक निर्देशन द्वारा विद्यार्थियों को अभिव्यक्त उचित प्रकार का करना सीखा जाता है। मतलब ये कहता है कि अगर कोई बच्चे जो है अत्यधिक पढ़ते हैं, अत्यधिक उनको जानकारी भी है, फिर भी वो क्या होते हैं परीक्षा में अच्छे अंक नहीं लाने पाते हैं, क्योंकि वो परीक्षा में जो है अपने ज्ञान को जो है अच्छे रूप में अभिव्यक्त नहीं कर पाते, तो वहाँ पर भी जो उनमें कठिनाई होती है। तो इसलिए अच्छे से अभिव्यक्त करने के लिए उसे शैक्षिक निर्देशन की अति आवश्यकता है। अब हम लोग देखते हैं शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य। शैक्षिक निर्देशन के क्या उद्देश्य हैं? शैक्षिक उद्देश्य के शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक उद्देश्य निर्देशन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है छात्रों में निहित शक्तियों व गुणों की पहचान कर शैक्षिक निर्देशन दिया जाए, ठीक है। दूसरा में है विद्यालय में प्रचलित पाठ्यक्रम में से छात्र को उचित पाठ्यक्रम चयन करने के में सहायता करनी चाहिए। मतलब विद्यालय में जो प्रचलित पाठ्यक्रम है उसमें से जो है जो उचित पाठ्यक्रम उसका जो है चयन करने में शैक्षिक निर्देशन की उद्देश्य होता है। तीसरा पॉइंट में देखते हैं शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है छात्र में आत्मविश्वास पैदा कर आत्मनिर्देशन का गुण का विकास करना है। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य रहता है कि छात्रों में जो है क्या करना है, आत्मविश्वास पैदा कर आत्मनिर्देशन के गुण का विकास करना है, ठीक है। अगला चौथा में देखते हैं शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य छात्रों में अध्ययन की अच्छी आदतों का निर्माण करना है। पांचवा में है शैक्षिक निर्देशन के द्वारा पुस्तकालय के महत्व का ज्ञान करवाकर उत्तम उपयोग के लिए प्रेरित करना है। छठा में है शैक्षिक निर्देशन के द्वारा विद्यालय परिवेश और कक्षा परिवेश में स्वास्थ्य समायोजन स्थापित करने में सहायता प्राप्त करता है। तो यहाँ हम लोग देखे अलग अलग जो है शिक्षा के क्या हुए, एक उद्देश्य प्राप्त हुए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं शैक्षिक निर्देशन की विशेषताएँ। शैक्षिक निर्देशन की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। पहला में शैक्षिक निर्देशन छात्रों द्वारा नए विद्यालयों में प्रवेश करते समय आने वाली कठिनाइयों को दूर करने एवं उपयुक्त वातावरण चुनने में सहायता करता है, ठीक है। दूसरा में शैक्षिक निर्देशन शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त करने और शैक्षिक कार्यक्रमों को समाय को नियोजित करने में सहायता करती है। तीसरा में है शैक्षिक निर्देशन का संबंध उन समस्याओं से है जिनका अनुभव बालक शैक्षिक परिवेश में अपने समायोजन में करता है। चौथा में शैक्षिक निर्देशन का संबंध विद्यालय और विद्यालय संबंधी क्रियाओं से होता है। पांचवा में यह कि विद्यार्थियों को उनके विषयों का चयन करने में सहायक होता है। छठा में शैक्षिक निर्देशन द्वारा बालकों की प्रगति में सहायक प्रदान करता है। तो यहाँ हम लोग देखें शैक्षिक निर्देशन की क्या देखें विशेषताएँ देखें। अब है विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन। विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन देखेंगे। पहला देखेंगे प्राथमिक स्तर पर, दूसरा देखेंगे माध्यमिक स्तर पर, तीसरा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। मतलब अलग अलग जो है स्कूल जब बच्चे नए नए विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो वहाँ जो है कई सारी कठिनाइयाँ आने लगती है। तो वहाँ पे जो हम लोग को विभिन्न स्तरों में जो है शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग देखते हैं प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन। अगला हम लोग देखते हैं प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन। किडन गार्डन या प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम कक्षा में बालकों को निर्देशन की अधिक आवश्यकता होती है। इसमें जो निर्देशन की क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है। जब बालक घर से नवीन विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर समायोजन होने में कठिनाई होती है। बालक जो है जब विद्यालय से जब घर जब पहली बार विद्यालय पहुँचते हैं तो वहाँ जो है विद्यालय के साथ समायोजन होने में बालकों को क्या होती है, दिक्कत होती है। बालक विद्यालय में अपने आप को असहनीय महसूस करता है तो अध्यापक को चाहिए कि उन्हें धैर्यपूर्व प्रेम सहानुभूति तथा शिक्षा के महत्व के बारे में बताए। अध्यापक को चाहिए कि जब बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कर रहा है तो उनके साथ प्रेम सद्भावना बना रखे ताकि बालक जो है एक धैर्यपूर्वक क्या हो जाए, उसको जो है एक सहानुभूति प्राप्त हो, जिससे बालकों में शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जागृत होंगे।
तर्क अध्यापक छात्र उन समस्याओं को समझने अथवा उनको दूर करने में सहायता के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। इस समय बच्चे विद्यालय पाठ में अनजान होने लगते हैं, अध्यापक उन्हें शैक्षिक निर्देशन के द्वारा परामर्श देते हैं। मतलब जब माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी पहुँचते हैं तो वहाँ क्या होते हैं, उनको जो है विषयों का ज्ञान नहीं होता है, तो वहाँ पर जो शैक्षिक क्या शिक्षक क्या करते हैं, विषयों से परिचित कराते हैं बालकों को, और उन्हें जो है एक नए माहौल में गए तो वहाँ पर जो उन्हें क्या करते हैं समायोजन करने में उन्हें क्या करते हैं मदद करते हैं। तो यहाँ हम देखें माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन। तीसरा में है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन क्या है, देखें माध्यमिक स्तर पार करने के बाद शिक्षा छात्र 9वीं एवं 11वीं कक्षा में पहुंचकर व्यवसाय के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय करते हैं। यहाँ जो है बालक उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो है बालकों का जो है क्या होता है व्यवसाय के संबंध से जो है जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जहाँ उन्हें निर्देशन की सहायता से छात्र उपयोगी निर्णय कर सकते हैं। छात्र माध्यमिक स्तर पर पहुँचते पहुँचते बालक किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, फिर बालक वहाँ जो है उस समय तक किशोरावस्था में भी प्रवेश करते हैं जहाँ बालकों का सर्वांगीण विकास हो रहा होता है। स्वयं बालक भी इस परिवर्तन के प्रति सचेत नहीं होता है, तो छात्रों को एक उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है, जहाँ विद्यालय में सभी अध्यापक का सहयोग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक निर्देशन का अति आवश्यक है। हम लोग देखिए कि प्राथमिक स्तर पर देखिए, उसके बाद जो है प्राथमिक स्तर पर देखिए, माध्यमिक स्तर पर देखिए, उच्च माध्यमिक स्तर पर, तो उच्च माध्यमिक स्तर पर जो है बालक जो है व्यवसाय से जोड़ा जाता है। निष्कर्ष में हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि छात्रों को शैक्षिक प्राप्ति के दौरान शैक्षिक निर्देशन देना जरूरी है, नहीं तो बालक के भविष्य शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और बालक एक उचित मार्गदर्शन के द्वारा एक नए आयाम की ओर अग्रसर हो। अतः शैक्षिक निर्देशन छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखिए शिक्षक जो है शैक्षिक निर्देशन जो है क्या होता है शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत ही क्या है जरूरी है। तो आज हम लोग देखें शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन का अर्थ, परिभाषा, महत्व, उद्देश्य, विशेषता और विभिन्न स्तरों पर जो शैक्षिक निर्देशन। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग को जो शैक्षिक निर्देशन समझ में आ गया, क्योंकि शैक्षिक निर्देशन के द्वारा जो है होना जो है बालकों के लिए मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे भटक ना जाए इसलिए जो है शैक्षिक निर्देशन देना जरूरी है, निर्देशन का बहुत जरूरी है। अगर सही समय पर सही निर्देशन मिल जाता तो बालक जो है एक उचित स्थान तक पहुँच जाता है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं आप लोग को शैक्षिक निर्देशन समझ में आ गया होगा, और वीडियो को जो है आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट पर पहुंचे, और आप लोग का सपोर्ट जो है बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो आप लोग मतलब बने रहें। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।